हेलो वेलकम स्टूडेंट्स, विद्या क्रिएटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि जानते हैं आप कि हम लोग यहां पर यूपीएससी के संदर्भ में कुछ चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले तो ये कि किस प्रकार से यूपीएससी की तैयारी में एक ऐसे सेगमेंट को कवर करना है जिसको लेकर के अधिकतर छात्रों के बीच में या तो संशय रहता है या फिर वो भ्रमित रहते हैं कि किस प्रकार से उस सेगमेंट को तैयार करें। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। मैं यहां पर इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। ये वो सेगमेंट है जिस सेगमेंट को लेकर के नॉर्मली स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, या तो इग्नोर कर देते हैं या फिर प्रॉपर तरीके से इसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। सवाल ये उठता है, व्हाई वी शुड फोकस ऑन इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत यूपीएससी में बहुत ज्यादा क्यों पड़ रही है, क्यों है? तो दो चीजें हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम जो देखेंगे यहां पर, वो दो चीजें हैं इंडियन इकोनॉमी। जब हम इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए जाते हैं तो हमें ध्यान देने की जरूरत है इस टॉपिक में। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यानी कि हमें दो बातें बहुत क्लियर होनी चाहिए। एक, व्हाई वी शुड फोकस ऑन दिस, व्हाई वी शुड प्रिपेयर दिस टॉपिक, व्हाट इज द रीजन why we are focusing more on this topic. The reason is very clear. If you see previous year question paper, every year you will see there are around 18 to 22 questions which are from this segment. So can you neglect this segment? No, not at all. आप इस सेगमेंट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। इस सेगमेंट के साथ दो सेगमेंट और जोड़ दिए जाएं, अगर आप उनकी ही अच्छे से तैयारी कर लें तो आपका प्रीलिम्स में बहुत चांस बढ़ जाता है। तो आपको एक तो सबसे पहला कारण है वाई, तो आपका वाई क्लियर हो गया बिकॉज द सेगमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूपीएससी, नॉट ओनली इन द यूपीएससी, इवन इन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। ये वो सेगमेंट है जहां पर आपको फोकस करने की बहुत जरूरत है। लेकिन यही वो सेगमेंट भी है जहां पर अक्सर आप डरते हैं, आपके अंदर से भय उत्पन्न हो जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं कि हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कहां से पढ़ें। तो इन बातों को जानने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए मैं वो सारी बातें, उन सभी बातों के जवाब लेकर के आया हूं जिन जवाबों को आप अब तक कहीं ना कहीं इधर उधर ढूंढ रहे थे, लेकिन आपको उनका जवाब अभी तक नहीं मिला, या जो मिला तो आप पूरी तरह उनसे संतुष्ट नहीं है, राइट? सो जब वाई की बात आई तो आपका वाई क्लियर हो गया। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ, जो अगला क्वेश्चन है वो आता है हाउ। हाउ मतलब कैसे, कैसे प्रिपेयर करें इस सब्जेक्ट को, क्या इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि यूपीएससी में हमेशा कहा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए बेसिक बुक्स जो है वो हमेशा एनसीईआरटी की है। तो इसमें आपको एनसीईआरटी की बुक एक देखनी है, एनसीईआरटी। सेकंड, आपको कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक लेकर के चलनी है, और थर्ड इकोनॉमिक सर्वे जो है, इकोनॉमिक सर्वे वो करना है, और फोर्थ है आपका करंट अफेयर्स। ये चार बातें इंपॉर्टेंट हैं जिन चार बातों पे आपको फोकस करना है, ध्यान देना है।
इकोनॉमिक सर्वे के बारे में मैं बता दूं, इसको आपको तभी पढ़ना है जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे. अनटिल अनलेस आपके बेसिक्स नहीं क्लियर हैं तो आप इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाएंगे, इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे. तो आपको करना क्या होगा, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा दो पार्ट में आता है. एक पार्ट इसका आता है वॉल्यूम वन और दूसरा पार्ट जो आता है वो वॉल्यूम टू. वॉल्यूम वन में कॉन्सेप्ट्स होते हैं और वॉल्यूम टू के अंदर सारे डेटास होते हैं. अब इकोनॉमी के अंदर जब भी आप पढ़ने जाएंगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट्स आपके उसके क्लियर होंगे. समझ में आ रही है हमारी बात, आप ध्यान से समझ पा रहे हैं इस बात को, ठीक है. तो आपका हाउ भी क्लियर हो गया. जितना कम स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करेंगे, रिसोर्सेज जितने कम करेंगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि इकोनॉमी भी क्या है, इकोनॉमी मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज है. इकोनॉमी क्या है, मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्स जिनकी स्कैरसिटी है उन रिसोर्सेज को कैसे एफिशिएंटली मैनेज करना है, यही इकोनॉमी है. इसलिए इकोनॉमी अपने आप में कोई सेपरेट टर्म नहीं है, हमेशा इस टर्म को किसी कंट्री किसी पोजीशन से जोड़ करके देखा जाता है. जैसे कि इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, रशियन इकोनॉमी, व्यवस्था है अर्थ की, अर्थव्यवस्था, अर्थ की व्यवस्था है. अर्थ क्या है, हर वो वस्तु हर वो सेवा जिसका कुछ मूल्य हो सके, जिसका मूल्यांकन किया जा सके, जिससे कुछ मूल्य प्राप्त किया जा सके. जैसे कि पानी, वाटर, वाटर एक रिसोर्स है, इस रिसोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं,